हेलो एवरीवन, डेली सी सेट सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। और रीजनिंग में मैंने लास्ट में नंबर सीरीज लिया था, तो अभी हम सीरीज वाले ही क्वेश्चन करेंगे, बट जिस तरह के उसने और पैटर्न पूछे हैं, राइट। जो मैं जनरली आपको कहता हूँ, ये बैंकिंग एग्जाम वाली रीजनिंग को काफी फॉलो करता है सी सेट, तो उस टाइप के क्वेश्चन मैं और आज आपको करवाऊंगा। बट सबसे पहले हर बार की तरह प्रीवियस सेशन का जो होमवर्क क्वेश्चन था वहां से स्टार्ट करते हैं। और बहुत लोगों ने फिर से करेक्ट आंसर भेजा है, और इसको पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे है, रॉन्ग टर्म बतानी थी हमें, और सीरीज थी 6, 10, 32, 111। ये सीरीज जो लिखी हुई है, और इसमें काफी लोगों ने ये लॉजिक यहां पे लिखा है, अभिजंत कुमार ने, Tn+1 Tn+5 × n। इसका मीनिंग है कि अगर ये 6 है तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो इसमें प्लस 5 करके 6+5 × 1, तो यहां 11 होना चाहिए था और ये रॉन्ग टर्म थी। तो अगर यहां 11 होता तो 11+5 करता 16 × 2 32, 32+5 करता 37 × 3। ओके, ये एक तरीका है जो इन्होंने लिखा। बट जैसे इससे इजी मुझे लगता था ये, जैसे अजय कुमार ने रीजन लिखा है कि × 1+5, तो वो मुझे ज्यादा बेटर लिखता है। मैं यहां सीरीज दोबारा लिख के आपको दिखा देता हूं कि ये सीरीज थी, यहां पे वो रॉन्ग टर्म थी। ओके, मैंने वापस नंबर लिख दिए हैं। और अब अगर आप देखेंगे, वैसे मैं जनरली आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बड़ी टर्म की तरफ देखो, उससे जल्दी क्लिक होता है। तो यहां बड़ी टर्म टर्म के तरफ देखते हैं, तो 460 × 5 अगर करो तो 2300 आता। तो 464 × 5 करूं तो ये बन जाता 2320। तो इसका मतलब +25 था, ये यहां पे 464 × 5 +25 था। तो यहां देखो तो ये × 4 444 +20 था। देखो यहां × 4 +20, यहां × 5 +25। तो यहां पे देखे तो × 3 96 +15 था। तो आपको ये भी आइडेंटिफाई हो रहा है, देखो 15 20 25 3 4 5। तो इसका मतलब यहां पे होना चाहिए × 2 और यहां पे होना चाहिए × 1। तो यहां पे +10, यहां पे +5, 6 × 1 + 5 11, 11 × 2 22 + 10 32। इसका मतलब 10 आपकी रॉन्ग टर्म थी। ठीक है, बहुत लोगों ने अपने अपने तरीके से आपने आंसर उसको ढूंढ लिया, राइट। बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं, मल्टीपल लॉजिक सेम रिजल्ट दे सकते हैं आपके सीरीज में, आप अलग अलग तरीके से उसको सोच सकते हो। ओके, तो यहां पे बिजयंत कुमार, सोहिनी विश्वास काफी फ्रीक्वेंटली आप करेक्ट आंसर देते हैं, शशांक शेखर, राइट, वेरी गुड, विजय देश जायसवाल, ये लोग काफी रेगुलरली आंसर देते हैं, सूर्यवंशी, श्वेता सिंह, ये मुझे माफ कर देना अगर ये मैं गलत प्रोनाउंस करूं तो। ओके, साय मानी कांतन, ओके वो देख लो, सुचि स्मिता, ये स्तुति, ओके, निपुर शुक्ला, क्रिकेट के दीवाने हर बार आंसर देते हैं। ओके, कुमार कार्तिकेय, अजय कुमार, वेल डन, बहुत बढ़िया। और आई होप अगली बार और ज्यादा लोग आंसर देंगे। ओके, चलो आज के क्वेश्चंस पे चलता हूं मैं सीरीज के। ये जो इसका मैंने ऊपर इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी है वो मैं बता देता हूं। तो ये क्या है क्वेश्चन, कि एक सीरीज आपको दी गई है, राइट, ऊपर ये एक सीरीज दी गई है, इसमें आपको सीरीज का लॉजिक आइडेंटिफाई करना है, और सेम लॉजिक से दूसरी सीरीज 5, ये स्टार्टिंग नंबर दिया हुआ है 5, यहां से स्टार्ट होके दूसरी सीरीज में सेम लॉजिक लगाना है जो ऊपर वाली सीरीज का लॉजिक है, और वहां से आपको आइडेंटिफाई करना है यहां क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है। ओके, देखते हैं, इसको समझते हैं। मेरी ओरिजिनल सीरीज जो ऊपर दी हुई है जिससे मुझे लॉजिक पहचानना है वो ये है, और इसमें अगर मैं लॉजिक देखता हूं तो ये बड़े स्टैंडर्ड सीरीज है, बैंकिंग एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है, और ऐसा मतलब आप मान के चल सकते हो ये लॉजिक आपको पता ही होना चाहिए,
राइट। तो यहां पे क्योंकि ये टर्म कम हो गई और बाकी टर्म सारी बढ़ रही थी, तो इसको इंटू पॉइंट फाइव, देखो आधे के पास है, इंटू पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट फाइव, यानी नाइन का हाफ 4.5 प्लस 0.5 फाइव बन जाएगा। फाइव से इंटू वन प्लस वन, सिक्स से, अब देखो 10.5 आ रहा है, तो इंटू 1.5, सिक्स का डेढ़ गुना करेंगे नाइन हो जाएगा, प्लस 1.5, 10.5 आ गया। इंटू टू प्लस टू, तो 10.5 का डबल 21 प्लस टू 23 आ गया। तो इसका मतलब आगे भी इंटू 2.5 प्लस 2.5 आ जाएगा, उसकी हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से मुझे सिर्फ लॉजिक पहचानना था। अब मेरा था यहां से फाइव से, तो फाइव से शुरू होके मुझे फोर्थ टर्म, ये है क्वेश्चन मार्क, ये बतानी है। तो यहां चलेंगे फाइव का हाफ प्लस हाफ, तो 2.5 प्लस 0.5 3 आ जाएगा, और यहां से 3 इंटू 1 प्लस 1, सेम लॉजिक लगाएंगे ऊपर वाला, तो 4 आ जाएगा। तो 4 का इंटू 1.5 प्लस 1.5 करेंगे, तो 4 का डेढ़ गुना हो गया 6 प्लस 1.5, 7.5 आपका आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन 7.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सी सेट में भी पहले पूछे गए हैं, दो तीन बार पूछ चुका है, वो सेम पैटर्न से क्वेश्चन को पूछ चुका है, तो आपको ये पक्का ही पता होना चाहिए किस तरह से हम डील करते हैं। हाँ, ऊपर इंस्ट्रक्शन बहुत सारी लिखी होती है इस सारे को समझाने के लिए, वो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए कि ऐसे इंस्ट्रक्शंस में इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो जल्दी से आप क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाते हैं। यहां पे सेम इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, राइट। अब मैं दोबारा इंस्ट्रक्शन नहीं बता रहा हूं, तो हमें ऊपर लॉजिक पहचानना है, तो लॉजिक पहचानेंगे, ये देखो ये डबल के पास दिख रहा है आपको, तो डबल प्लस वन, राइट। अगला भी नंबर डबल के पास है, डबल माइनस टू, अगला नंबर भी डबल के पास है, तो डबल प्लस थ्री, अगला नंबर 67 इंटू टू 134 होता है, तो डबल माइनस फोर, तो ये नंबर डबल प्लस फाइव, आपको समझ में आ गया होगा, सब में डबल कर रहे हैं, बट साथ में क्या हो रहा है, एक बार प्लस वन, एक बार माइनस टू, एक बार प्लस थ्री, एक बार माइनस फोर, एक बार प्लस फाइव, तो इस तरह से चल रहा था। तो यहां भी वही करेंगे, 32 का डबल 65 प्लस वन 66, सॉरी 64 प्लस वन 65, राइट, पहले करेंगे प्लस वन 65, अब 65 का डबल 130 माइनस टू करेंगे यहां पे, तो 128, 128 का डबल 256, 256 यहां पे क्या करेंगे माइनस प्लस थ्री, राइट, प्लस थ्री करेंगे इस बार, तो 256 प्लस थ्री 259, 259 का डबल कितना हो जाएगा 518, 518 माइनस फोर करेंगे तो 514, राइट, तो बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो हमने किया वही है पहली टर्म में, 32 का डबल प्लस वन ये आया 65, 65 का डबल माइनस टू ये आया 128, 128 का डबल प्लस थ्री, तो ये हमारे पास आया 259, 259 का डबल माइनस फोर, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था 514, राइट। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, सिंपल सीरीज की बजाय ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ रहा है वो, तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं ऊपर इंस्ट्रक्शन नहीं लिख रहा हूं, विद इंस्ट्रक्शन ये क्वेश्चन बहुत लेंथी दिखता है, राइट। तो जैसा सी सेट कर ही रहा है कि हर क्वेश्चन की लेंथ को इतना ज्यादा कर देता है, आप उसको पहले लेंथ को समझो क्वेश्चन को, राइट। तो यहां पर वही है, इसको देखेंगे क्या किया उसने। अब हमारे पास है 18, 19, लॉजिक को समझेंगे पहले, 21, 25, 33 एंड 49। तो यहां पे क्या है, एक तरह से प्लस वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट प्लस 16, ये तो सिर्फ प्लस प्लस ही हो रहा है और डबल होता जा रहा है, जो ऐड कर रहे हो डबल हो रहा है। बट जब सिर्फ प्लस हो रहा हो तब क्या होता है, जैसे मैं यहां पे नेक्स्ट सीरीज मेरी 49 से शुरू हो रही है, तो अगर इस टर्म में मेरा डिफरेंस 31 का है, पहली टर्म में 31 का डिफरेंस है, तो अगर मैं सेम लॉजिक ऊपर वाले लगाऊंगा, जो डिफरेंस बेस्ड लॉजिक था, सिर्फ आपका जो डिफरेंस है उसी पे कहानी है,
तो क्या होता है कि हर टर्म का डिफरेंस 31 ही रहेगा। आपकी पहली टर्म का डिफरेंस 31 था तो दूसरी टर्म भी यहां 31 ऐड कर देते तो 50 आती। आप यहां देखोगे तो प्लस 1 ही होता। अगली में आप प्लस 2 करोगे तो 52 बनेगा और यहां पर डिफरेंस फिर से वही रहेगा 31 का डिफरेंस। तो हर कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म में 31 का डिफरेंस रहेगा। तो मुझे ये टर्म इसके साथ, ये टर्म इसके साथ, ये टर्म इसके साथ, ये इसके साथ, तो 33 और इसमें डिफरेंस भी 31 का होना चाहिए। तो आप सीधा इसके नीचे वाली टर्म 31 ऐड करके ले सकते थे, 64, डायरेक्ट 64 आंसर कर सकते थे। आप यहां से चलते तो प्लस 4 करते 56, फिर प्लस 8 करते, देखो यहां प्लस 4, यहां प्लस 2, आप प्लस 8 करोगे तो 64 आएगा। बट हर कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म में डिफरेंस सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पहली टर्म में जो डिफरेंस आपने देखा, सीधा जो रिक्वायर्ड टर्म है उसी में डिफरेंस आप उतना कर सकते थे, राइट? वहीं पे आंसर दे सकते थे डायरेक्टली, आपको बीच वाली टर्म कोई भी निकालने की जरूरत नहीं थी। ओके? बट ये तब होता है जब डिफरेंस पे सीरीज चल रही हो, डिफरेंस का लॉजिक है, राइट? डिफरेंस एक ऑर्डर में चल रहा है। जब प्रोडक्ट में ऐसा होता है तो टर्म्स की रेशियो सेम रहती है। अगर अगर कोई मल्टीप्लाई कर करके नेक्स्ट टर्म आ रही हो, बट ज्यादातर आपने पीछे वाले दो क्वेश्चन देखे हो तो उनमें लॉजिक क्या था, मल्टीप्लाई भी था, ऐड भी था, मल्टीप्लाई भी था, सब्ट्रैक्ट, ऐड सब्ट्रैक्ट। तो जब कॉम्बिनेशन होता है तब आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तब आप डिफरेंस या रेशियो चेक नहीं कर सकते। ओके? चलो उसको आपको प्रैक्टिस कर करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम वही आपको ऊपर वाली सीरीज पे जो लॉजिक है उस सेम लॉजिक पे ये सीरीज फिल करनी है। और आपकी बार डी बताना है, मतलब ये वाला बताना है आपको, राइट? तो हम पहले ये देख लेते हैं वो सीरीज कैसी है, जो ऊपर गिवन सीरीज है, राइट? उसको एक बार देख लेते हैं। 93, 82, 65, 40 एंड 5। पहले आइडेंटिफाइड डिफरेंस को देख के देखते हैं। यहां 5 कम हुआ, यहां 7 कम हुआ, यहां 9 कम हो गया, नहीं 82 11 कम हो गया, यहां पे 65 17 कम हो गया, राइट? ऐसा ही है ना, 65 40 25 कम हो गया और यहां पे 35 कम हो गया आई थिंक। अब सेकंड टर्म में डिफरेंस देखो तो यहां पे 2 का, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, 7 11 में 4 का, 11 17 में 6 का, 17 25 में 8 का, 8 10 का, तो 2 4 6। तो इसका मतलब ये है ना कि ये डिफरेंस बेस्ड सीरीज है। अगर डिफरेंस बेस्ड सीरीज है तो मैंने कहा था हर कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म में जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। तो पहली टर्म में अगर डिफरेंस 110 का डिफरेंस है, 110 का डिफरेंस है, तो इसमें भी 110 का डिफरेंस होगा, बढ़ेगा ना, प्लस 110 है तो ये भी 110 बढ़ जाएगा, ये भी 110 बढ़ जाएगा, ये भी 110 बढ़ जाएगा, तो ये भी 110 बढ़ा दो तो 65 प्लस 110 यानी कि 175 आपकी डी की वैल्यू हो जाएगी। डी इट शुड बी 175, देखना जरा, 110 बढ़ाना था ना। ओके, आई थिंक इट शुड बी 175 ओनली। ओके, 175। मैं इसके आंसर ऑप्शंस को करेक्ट कर देता हूं, ये 100 लिखे होंगे, ये 200 गलती से लिख दिया है, 175 इज द करेक्ट आंसर, राइट? 175 इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको ये लॉजिक दिखा भी देता हूं, राइट? आप दूसरी सीरीज जब देखोगे 215 ए, राइट? चलो यहां ए है, ये बी है, ये सी है और यहां मेरा डी आएगा, ये मेरा आंसर है। ओके? अब देखो हमने पहले माइनस फाइव किया था, माइनस सेवन, सेम लॉजिक लगाना है तो माइनस फाइव करेंगे और 210। और वैसे भी आप देखो सीरीज डिमिनिशिंग थी, सीरीज डिमिनिशिंग है, अगर पहली टर्म 215 है बाकी सारी टर्म 215 से कम आएंगी, तो जो पहले चॉइसेस दी हुई थी तो वो 215 से सारी ज्यादा दे रखी थी, वो गलती से दिया गया है, वो 100 होगा, 155, 145, 175 इज द करेक्ट आंसर, राइट? आप देखोगे यहां माइनस फाइव हुआ तो यहां माइनस सेवन होना चाहिए तो 203 हो जाएगा, यहां माइनस इलेवन होना चाहिए तो ये हो जाएगा 192, यहां माइनस 25 होना चाहिए ना, माइनस 17 होना चाहिए, माइनस 117, 175 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर था, डी ऑप्शन, जो डी आपको बताना था, राइट? तो ऑप्शन सी में 175 आपका करेक्ट आंसर था। ओके, तो चलो नेक्स्ट उस पे आ जाता हूं। होमवर्क क्वेश्चन है आपका,
सेम आपको क्वेश्चन टाइप सेम है, इंस्ट्रक्शन सेम है, जो पहली सीरीज ऊपर लिखी हुई है सेम पैटर्न आपको लगाना है सेकंड सीरीज पे, और आंसर में बताना है सी क्या आएगा, राइट, द वैल्यू ऑफ सी, जो ऊपर सीरीज दी है 19 A B C D E F, आपको सी बताना है क्या आएगा, राइट, आप आइडेंटिफाई करेंगे, स्कोर आंसर देंगे, ओके, कमेंट में अपना आंसर पोस्ट करेंगे, और आप ये भी बताया करें कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, राइट, थोड़े अपने और भी कमेंट अदर देन आंसर्स भी आप अपनी क्वेरीज वगैरह उसमें डाल सकते हो, ओके. किसी ने लिखा था नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर दो, मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़े थोड़े सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करने की, ओके. तो ये हमारा सक्षम सी सेट कोर्स है, कंप्लीट कोर्स, राइट, हमारी क्लासेस के साथ, हर क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग PDF प्रैक्टिस असाइनमेंट, फिर आपका टेलीग्राम ग्रुप में आप कनेक्ट हो सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट, लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशन, राइट, मॉक्स, कंप्लीट पैकेज, ओके. सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद.